नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इविल स्पिरिट। किसी भी भवन में इविल स्पिरिट को किस तरह से देखते हैं, ये हम केपी के माध्यम से देखेंगे। आप सब जानते हो कि चौथा भाव हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं, तो हम चौथे भाव से ही इविल स्पिरिट को देखेंगे। इविल स्पिरिट को देखने का सरल तरीका ये है कि चौथे भाव में यदि राहु बैठा है तो वहाँ इविल स्पिरिट हो सकता है, या चौथे भाव का सब लॉर्ड यदि राहु है तो भी वहाँ इविल स्पिरिट की मौजूदगी हो सकती है, या चौथे भाव का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड यदि राहु है तो भी वहाँ इविल स्पिरिट का मौजूदगी हो सकती है, या नक्षत्र लॉर्ड किसी तरह से भी राहु से रिलेशन बना रहा है तो वहाँ इविल स्पिरिट की मौजूदगी हो सकती है। इसे हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। पहले हम देखेंगे चौथे भाव में राहु तो नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ चौथे भाव में इस चार्ट में चौथे भाव में राहु नहीं है, यानी ये प्रॉमिस यहाँ नहीं बना। दूसरा स्टेप है चौथे भाव का सब लॉर्ड यदि राहु है तो भी वहाँ इविल स्पिरिट की मौजूदगी हो सकती है। ये चौथे भाव में हमने देखा चौथे भाव का सब लॉर्ड राहु है तो यहाँ प्रॉमिस बनती है, यानी इस घर में इविल स्पिरिट की मौजूदगी है। एक तो ये हो गया, और एक हम देखेंगे दूसरे चार्ट से कि किस तरह से नक्षत्र लेवल पे हम इविल स्पिरिट को देख सकते हैं। इस चार्ट में हम चौथे भाव का सब लॉर्ड देखेंगे, केतु है। केतु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है ये देखेंगे हम। ये देखिए, केतु का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो राहु है, यानी कि यहाँ प्रोमिस बनती है। तो इस केस में राहु केतु का नक्षत्र लॉर्ड राहु है तो यहाँ इविल स्पिरिट की मौजूदगी हो सकती है। अभी इविल स्पिरिट तो है मगर वो कौन से डायरेक्शन में है, कौन सी दिशा में है, वो हम कैसे देखेंगे। अभी राहु यहाँ है तो राहु जो है कौन सी राशि में बैठा है ये हमें देखना है। तो राहु यहाँ देखिए, राशि मैंने बताया तो लग्न चार्ट में हमने जाना है, तो नौवीं राशि में राहु बैठा है। नौवीं राशि का डायरेक्शन कौन सा है तो नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान दिशा है। तो इस घर में ईशान दिशा में इविल स्पिरिट की मौजूदगी है ये हम कह सकते हैं। अभी इविल स्पिरिट भी है, डायरेक्शन में मिल गया, मगर इस इंसान को उसका ज्यादा में ज्यादा महसूस कब होगा या पीड़ा कब होगी, तो जब राहु की दशा चलेगी, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, या राहु से रिलेटेड कोई भी प्लानेट है जो कोई उससे संबंध बना रहे हैं उसकी जब दशा चलेगी तब इस इंसान को इविल स्पिरिट की मौजूदगी का जो भी असर होगी वो ज्यादा में ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। अब इसका उपाय क्या है तो शिव आराधना इसका सबसे अच्छा सटीक उपाय है, या रुद्राभिषेक इसका सबसे सटीक इलाज है, सबसे सटीक उपाय है। इस तरह से हम इविल स्पिरिट को देख सकते हैं और इसका उपाय भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के साथ साथ जिस दिशा में इविल स्पिरिट की मौजूदगी है वहाँ नित्य रेगुलर धूप करना चाहिए और एक स्वस्तिक का छोटा सा चिन्ह लगाना चाहिए ताकि उसकी इफेक्ट को हम कम कर सकें।